सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन टू, जो है शेयर कैपिटल। अब शेयर्स एंड शेयर कैपिटल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे इक्विटी को लिस्टेड कैसे करा जाता है, अलॉटमेंट क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में, जितने भी हैं इन सब चीजों के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। सो जो कंपनी एक्ट का ये चैप्टर है, ये मैक्सिमम जो है वो 15 मार्क्स तक जा सकता है। मैक्सिमम जो है 50 मार्क्स तक जाता है, और 5 मार्क्स तो ये इतना है कि इसमें आएगा ही आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी ही आएगा, ये कंफर्म है। तो लेसन टू हम जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, जितनी कोशिश हो सके उतना टाइम लेंगे, मगर हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो इस चैप्टर को 5 हिस्सों में बांटा गया है, 5 हिस्सों में चैप्टर को बांटा हुआ है। पार्ट ए जो है वो मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल की बात करता है, पार्ट बी कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट की बात करता है, पार्ट सी जो है वो इशू ऑफ सिक्योरिटी की बात करेगा, पार्ट डी अल्टरनेशन इन शेयर कैपिटल, बायबैक, सिक्योरिटी एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल की बात करेगा, और पार्ट जो ई है वो ट्रांसफरेबिलिटी एंड ब्रीफ ऑन प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट की बात करेगा। सो धीरे धीरे पार्ट ए से पार्ट बी तक, पार्ट ई तक जाएंगे और धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें हम कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, कुछ रूल्स हैं वो हम साथ में पढ़ेंगे। पहला रूल वो है कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल 2014। सेकंड रूल जो है वो है कंपनी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल 2014। ये रूल हम इसके साथ पढ़े हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, जो है मीनिंग एंड टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट कैपिटल से आप समझते क्या है, बहुत बात होती है कि हमें कैपिटल की जरूरत होती है, हमें कैपिटल की जरूरत होती है कंपनी को स्टार्ट करने में। तो वो कैपिटल जो है वो टर्म क्या है, हिंदी में इसे पूंजी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पूंजी बोलते हैं, उसे हम इंग्लिश में कैपिटल बोलते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कैपिटल वो चीज होती है जो शुरुआती बिजनेस में हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए धन चाहिए रहता है, धन या मनी जो चाहिए रहते हैं हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सबसे शुरुआत में इन द इनिशियल ऑफ द बिजनेस स्टार्टिंग। तो हमें जो पैसा चाहिए रहता है उसे हम कैपिटल कहते हैं ना। अब बात करते हैं इसमें मीनिंग क्या दे रखा है। द कैपिटल हैज वैरायटी ऑफ द मीनिंग, इसकी बहुत सारे वैरायटी ऑफ मीनिंग है। इट मीन वन थिंग टू बी इकोनॉमिस्ट, अनदर टू द अकाउंटेंट, एंड वाइल अनदर टू बिजनेसमैन और लॉयर। इसका मतलब क्या है कि ये कैपिटल का मतलब जो है कैपिटल, वो इकोनॉमिस्ट के लिए अलग होता है, एक अकाउंटेंट के लिए अलग होता है, एक बिजनेसमैन के लिए अलग होता है, एक लॉयर के लिए अलग होता है कैपिटल का मतलब। बट एट अ लेमन व्यूज कैपिटल इज अ मनी विच इज हैज अराइज बाय इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सिंपल सी बात है, अगर इकोनॉमिक के लिए कैपिटल का मतलब अलग है, बिजनेसमैन के लिए अलग है, लॉयर के लिए अलग है, इन सब के लिए तो अलग है, मगर एक लेमन आदमी के नजरिए से देखा जाए तो एक कैपिटल का मतलब मनी होता है जो कंपनी जो है वो रेज करती है बाय द इशू ऑफ इट्स शेयर्स। जब कंपनी को कैपिटल चाहिए रहता है, जब कंपनी को कैपिटल चाहिए रहता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो क्या करती है, अपने शेयर्स जो है वो इशू करती है पब्लिक को, बैंक को, इंस्टीट्यूशन को, और उन शेयर्स के इशू उन्हें पैसा मिलता है जिससे वो अपनी कंपनी स्टार्ट कर लेती है। इट यूजेस दिस मनी टू मीट द रिक्वायरमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग बिजनेस परमिसेस एंड द स्टॉक एंड ट्रेड विच आर द कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल रिस्पेक्टिवली। सिंपल सी बात है, अगर हमें मनी चाहिए तो किस लिए चाहिए, हमें कोई चीज खरीदनी हो, बिजनेस एक्वायर करना हो, या फिर कोई असेट्स खरीदना हो, या फिर स्टॉक एंड ट्रेड खरीदना हो, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। जब हमारे पास पैसे नहीं होते तब हम शेयर्स इशू करते हैं और उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिलते हैं, तब हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। लोन और बोरोड कैपिटल इट इज समथिंग यूज्ड टू मीन मनी बोरो बाय द कंपनी एंड सिक्योर बाय द इशू ऑफ डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटी। दिस इज हावर इज नॉट प्रॉपर यूज ऑफ द वर्ड कैपिटल। सिंपल, अब यहाँ पे लोन और बोरो कैपिटल है। अब लोन और बोरो कैपिटल जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो बोरो करती है। अब क्या होता है कि अब हमें सिंपल से बता रहा हूं, जब कंपनी किस लिस्टेड होती है, कंपनी जब स्टार्टिंग होती है तो वो तीन चीजें वो करती है, पहला डिवेंचर,
दूसरा इक्विटी, एक मिनट वेट, दूसरा क्या है इक्विटी हमारा, और तीसरा क्या है हमारा प्रिफरेंस शेयर्स, प्रिफरेंस शेयर्स है। तो डिवेंचर जो है ये बोरोड कहलाता है, क्योंकि डिवेंचर के अगेंस्ट, डिवेंचर ऐसा बोरो होता है, हम क्या करते हैं कि कंपनी जो होती है वो किसी पब्लिक से फंड लेती है और उसके अगेंस्ट वो डिवेंचर इशू करती है, उसके अगेंस्ट वो डिवेंचर इशू करती है, डिवेंचर इशू जब करती है तो उसे हम बोरोड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि अगर कंपनी का डेट होता है कि उससे पे करना वो कंपलसरी होता है, क्या होता है कंपलसरी उनके फंड को पे करना होता है और उस पर इंटरेस्ट पे भी करना होता है, तो उसे बोरोड फंड कहते हैं क्योंकि वो कंपलसरी है देना। बट इक्विटी की बात करूं मैं, इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर्स की, तो ये ज्यादा जरूरी नहीं होती, ये ज्यादा जरूरी नहीं होती, इस पे इक्विटी पे प्रिफरेंस पे हो सके तो डिविडेंड मिलेगा, हो सके अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो डिविडेंड मिलेगा, और अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो जरूरी नहीं कि इनका पैसा वापस करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, नहीं ऐसा जरूरत नहीं होता, इसलिए हम इसे एज अ कैपिटल कहते हैं, बट एज अ डिवेंचर को हम लोन और बोरोड कैपिटल कहते हैं, क्योंकि ये तो हमारे कैपिटल के लिए, मगर ये लोन करा गया या फिर बोरो करा गया है, इसलिए इसे हम डिवेंचर कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब बात करी गई है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स ऑफ कैपिटल, शेयर्स कैपिटल को है वो हम कितने हिस्सों में बांटे गया है, पहला नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्रिप्शन कैपिटल एंड कोल्ड कैपिटल एंड पेड अप शेयर कैपिटल। एग्जांपल देता हूं बिल्कुल सेम, मान लिया जाए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उसमें अमाउंट दिया रखा है कि आप वन, सिंपल छोटा सा अमाउंट लेता, 1 लाख तक आप कैपिटल जो है इशू कर सकते हैं, 1 लाख तक आप कैपिटल रेज कर सकते हैं, आप ऑथराइज कर सकते हैं 1 लाख तक, ठीक है। अब कंपनी क्या करती है, उसे शुरुआत में उसे 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं होती, क्या होती है 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं होती, तो सिंपल सी बात है वो 50,000 रुपए के लिए शेयर्स इशू कर देती है, शेयर्स इशू कर सकती है, जो शेयर्स इशू करती है और इशू करने के बाद क्या होता है 50,000 रुपए के शेयर्स इशू कर देती है, उसमें से 30,000 जो है शेयर्स वो हो जाते हैं सब्सक्राइब, इसका मतलब 30,000 शेयर्स लोग खरीद लेते हैं, 30,000 लोग शेयर्स खरीद लेते हैं। अब ये जो 30,000 शेयर्स हैं उनमें से वो जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी को 50,000 रुपीज तो दे देते हैं, 50,000 रुपीज दे देते हैं, मगर अभी भी 50,000 रुपीज देना बाकी होता है, तो कंपनी क्या करती है, कहती है इन लोगों से कि आप हमें जल्दी से जल्द 50,000 रुपीज दे दीजिए, जल्दी से जल्द 50,000 रुपीज दे दीजिए। अब 50,000 देने के लिए ये तो 50,000 मांगती है कंपनी, मगर जब देती है तो उसमें से लोग क्या करते हैं 10,000 रुपए 10,000 रुपीज ही देते हैं। अब मैं बताता हूँ पॉइंट, कंपनी ने क्या करा कि उसमें उनका था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि भैया तुम 1 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, तो ये जो होता है इसे बोलते हैं नॉमिनल, इसे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं नॉमिनल या फिर ऑथराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर कैपिटल, क्योंकि जो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया हुआ उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये 1 लाख शेयर है। अब बात करते हैं 50,000 शेयर्स, अब कंपनी ने क्या करा, उसे 50,000 रुपए की जरूरत थी तो कंपनी ने इशू करे कितने 50,000 शेयर्स, कंपनी में कितने इशू करे तो 50,000 शेयर्स इशू करे, तो इसे हम क्या बोलेंगे इशूड कैपिटल। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी जब 50,000 इशू करती है तो 30,000 ही इशू होते हैं, सब्सक्रिप्शन होते हैं, मतलब 30,000 ही शेयर्स लोग खरीदते हैं, 30,000 शेयर्स ही लोग खरीदते हैं, उसे बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन कैपिटल। अब क्या होता है जब 30,000 खरीदते हैं तो लोग 15,000 तो पे कर देते हैं, उस 30,000 में से 15,000 लोग तो पे कर देते हैं, मगर क्या होता है अभी भी 15,000 माइनर रहता है, अभी भी 15,000 लोग पे नहीं करते, तो कंपनी क्या करती है कोल्ड अप करती है, वो बोलते हैं कि आप हमें 15,000 जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पे करें, तो ये हो गया हमारा कोल्ड अप कैपिटल। मगर उसके बाद भी लोग 10,000 15,000 मांगने के बाद भी लोग क्या करते हैं केवल 10,000 ही शेयर्स पे करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम पेड अप कैपिटल, जो हमारा ये 10,000 रुपए मिनिमम आपको
आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे किसे हम पेडल शेयर कैपिटल कहते हैं, किसे कॉलअप कैपिटल कहते हैं, किसे सब्सक्रिप्शन और इशूड एंड ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। वेट, इसे थोड़ा इरेज कर दें हम। इरेज नाउ। अब क्या होता है, अब इनके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर डेफिनेशन बोलता क्या है। डेफिनेशन में सबसे पहले मीनिंग दे रखी है, वो दे रखी है शेयर्स की मीनिंग। शेयर होता क्या? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84 शेयर्स मीन द शेयर्स इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड द इंक्लूड स्टॉक। शेयर्स मीन्स क्या बोला है इन्होंने? सिंपल सी बोला है शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी मीन्स अ शेयर, मीन्स शेयर जितने कंपनी में हमारी शेयर कैपिटल है, जितनी हमारी कंपनी की शेयर कैपिटल है उसे हम शेयर्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 84। नाउ नॉमिनल ऑथराइज्ड कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8, नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8 सच अ कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम ऑफ कंपनी टू बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सिंपल क्या बोला गया कि शेयर कैपिटल जो ऑथराइज करा हो बाय द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि इतने से ज्यादा हम शेयर कैपिटल कंपनी की नहीं हो सकती है, उसे हम नॉमिनल या फिर ऑथराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। कौन सा सेक्शन है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 8। आगे बात करते हैं इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल क्या होता है? इशूड कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 50, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 50 सच अ कैपिटल एज कंपनी इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन। क्या कर रही है कंपनी? इशू कर रही है टाइम टू टाइम कि जो शेयर्स उन्होंने इशू करे वो सब्सक्रिप्शन हो जाए, उस सब्सक्रिप्शन मतलब लोग शेयर्स खरीद ले उसके लिए वो इशू करती है, उसे हम इशू कैपिटल कहते हैं। It is of the part of the authorized or nominal capital which company issue for the time being for the public subscription and the allotment. और कंपनी का ये जो होता है इशूड कैपिटल किसका होता है? ऑथराइज्ड या ऑथराइज्ड या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, क्योंकि कंपनी इशू करती है कि लोग इसे शेयर्स, इस शेयर्स को खरीदें या और फिर हम उसे अलॉट करें उन शेयर्स को जो जिन पर्सनों ने इस शेयर्स को खरीदा है। सिंपल अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन कैपिटल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 86। ये सेक्शन बता रहा हूँ, ये याद करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम एग्जाम में लिखेंगे तो हम पहले स्टार्ट ही करेंगे, जो अगर दिया होगा किसी की डेफिनेशन तो हम सेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आगे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमने वो पढ़ा शेयर्स जो था सेक्शन 284, सेक्शन 2 क्लॉज 84, फिर हमने पढ़ा नॉमिनल सेक्शन 2 क्लॉज 8 हमने पढ़ा, पर हमने इशूड कैपिटल जो था सेक्शन 2 क्लॉज 50, फिर पढ़ा हमने सब्सक्रिप्शन कैपिटल जो था सेक्शन 2 क्लॉज 86 सच अ पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच फ्रॉम टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। सिंपल जैसे मैंने बोला जब कंपनी इशू करती है शेयर्स तो किस लिए करती है? सब्सक्रिप्शन के लिए, और जब सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं शेयर्स उन्हें हम सब्सक्रिप्ट कैपिटल बोलते हैं। नाउ अब बात करते हैं कॉल्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 15 पार्ट ऑफ द कैपिटल which has been called for the payment, which is called for the payment, जो कैपिटल का पार्ट है और जो कंपनी ने बोला है कॉल्ड करा है फॉर द पेमेंट, जो आधे लोगों ने पैसे, जब क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन करते हैं शेयर्स, जब मेंबर सब्सक्राइब करते हैं शेयर, तो आधे एक शेयर अगर मान लिया जाए 10 रुपए का है, मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, तो किसी को ही होता है कि जो उसे 10 रुपए पे नहीं कर पाता पूरे शेयर के, तो वो 5 रुपए पे करता है, तो ये जो 5 रुपए पे करा तो अभी 5 रुपए माइनस रह गया, तो ये जो 5 रुपए माइनस रह गया उसे हम कोल्ड अप कैपिटल, क्या होती है कंपनी कभी भी बोल सकती है कि आप जो अभी 5 रुपए माइनस रह गया वो पे करें, उसे हम कोल्ड अप कैपिटल बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 15। नाउ पेड अप कैपिटल, अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 64 सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द मनी क्रेडिट एज पेड अप इट इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव फॉर द पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इशू एंड आल्सो इंक्लूड एनी कॉल्ड क्रेडिट एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव इन द रिस्पेक्ट ऑफ शेयर बाय द व्हाटएवर नेम कॉल्ड। सिंपल सी बात है, जो कॉल्ड अप करा कॉल्ड अप के अगेंस्ट में जो पैसे उसे मिले, पैसे जो मिले गए पेड करा गया उन्हें हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। नाउ चलते हैं अब बात करते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं।
इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर्स कहते हैं। डिबेंचर की बात है तो हमने पढ़ा था कि तीन चीजें तीन होती हैं कैपिटल की, बोर्ड कंपनी के कैपिटल में तीन चीजें इंक्लूड करी जाती है, डिबेंचर, प्रिफरेंस शेयर्स और इक्विटी। अब जो है इक्विटी, हम इक्विटी की बात करेंगे और इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। डिबेंचर हम चैप्टर फोर्थ में पढ़ेंगे, वहां आगे चल के पढ़ेंगे, मगर इस चैप्टर में हम इक्विटी एंड प्रिफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। तो इक्विटी एंड इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यहाँ ध्यान देने वाली चीज है लिमिटेड बाय शेयर्स होना चाहिए, मीन्स ऑल शेयर्स कैपिटल विच इज नॉट अ प्रिफरेंस शेयर। सिंपल से बोला, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 43। किसके अंदर? एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 43 में बोल रखा है इक्विटी मींस इक्विटी से कंपनी की जो कैपिटल है, कंपनी की जो कैपिटल है उस पूरी की पूरी कैपिटल एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को छोड़ के सब इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब बात करो तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन से होते हैं? प्रेफरेंस विद रेफरेंस टू एनी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस दैट पार्ट ऑफ द इशू शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी व्हिच कैरी ऑन वुड कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू। अब कंपनी जो है वो कोई भी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है वो इशू कर रही है शेयर्स, विच कर रही है शेयर्स, और जो शेयर्स इशू कर रही है वो कैरी कर रही है और वुड बी कैरी प्रेफरेंशियल राइट। अब प्रेफरेंशियल राइट होती है क्या उसकी बात करते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो उनपे डिविडेंड पेमेंट करा जा रहा है, या फिर वो आइदर फिक्स अमाउंट की मान लिया जाए कि अगर ₹100 किस शेयर से, तो उन्होंने कहा कि हम जो आपको डिविडेंड पे करेंगे हम हर साल ₹10 करेंगे, या फिर बोल दिया कि अगर डिविडेंड आया जो है आया है वो डिविडेंड जो है वो फिक्स परसेंटेज होगा। अगर मान लिया जाए कि कंपनी की डिविडेंड जो एनुअल डिविडेंड है वो ₹100 है, कह दिया गया कि 10% हम आपको कितना भी डिविडेंड हो 10% देंगे, 10% देंगे, तो 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% 10 हो गया, तो वो 10%। इसका मतलब या फिर जो पेमेंट हो रही है डिविडेंड की आदर फिक्स अमाउंट फिक्स करा गया है, या फिर परसेंटेज फिक्स करा गया है, उसे हम प्रेफरेंशियल राइट बोलेंगे, या फिर रीपेमेंट इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर और पेड अप या फिर डीम टू बी हैव बीन पेड अप वेदर नॉट देयर इज अ प्रेफरेंशियल राइट टू पेमेंट ऑफ फिक्स प्रीमियम ऑन द प्रीमियम ऑन एनी फिक्स स्केल स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सिंपल यहाँ पर ये बोला गया है अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है अंडर द कंपनी एक्ट, तो जो उस पे जो अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होता है उस पे प्रीमियम या फिक्स्ड मिलेगा या फिर फिक्स्ड स्केल प्रीमियम दिया जाएगा उस शेयर्स पे। और जो प्रेफरेंस शेयर्स हो गए उसकी जो हम प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट करेंगे वो इक्विटी शेयर से पहले करेंगे इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, इसे कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन अंडर सेक्शन 43। अब आगे चलते हैं, हमने सेक्शन में सारे डेफिनेशन पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल, शेयर्स एंड टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं शेयर्स एंड टाइप ऑफ शेयर्स कैपिटल। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 84 शेयर्स की बात कर रहा था ये। शेयर्स मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक। अब बात करते हैं नेचर ऑफ शेयर्स के, कुछ टर्म पढ़ते हैं इसमें। सबसे पहला टर्म दे रखा है, वो दे रखा है शेयर इज अ राइट टू स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैरिंग विद अ सर्टेन राइट एंड लायबिलिटी व्हाइल द कंपनी इज गोइंग कंसर्न एट वाइंडिंग अप। अब जो राइट होता है शेयर्स का उस पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैरिंग विद अ सर्टेन राइट एंड लायबिलिटी व्हाइल द कंपनी इज गोइंग कंसर्न है। अब जो राइट है, जो शेयर्स की राइट है उस पे राइट दिया जाता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको ड्यूडेंट मिलेगा अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट में, या फिर उसे कुछ राइट दिया जाता है, या फिर लायबिलिटी होती है कंपनी की, जैसे वोट करने की राइट, ठीक है, एक इक्विटी शेयर्स के पास होता है या फिर शेयर होल्डर के पास होता है राइट करने का अधिकार। तो इन सब सिचुएशन में गोइंग कंसर्न या कंपनी जब चल रही है फिर वर्निंग अप हो रही है तब उनको कुछ सर्टेन राइट दिए जाते हैं। नाउ अ शेयर्स इज अ राइट, शेयर्स क्या है, राइट है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी व्हाइल इज गोइंग कंसर्न। शेयर्स क्या है, एक राइट है, एक राइट है जो पार्टिसिपेट होते हैं प्रॉफिट, जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तो कंपनी जितने भी शेयर्स होल्डर है उन्हें एक अमाउंट स्पेसिफिक अमाउंट या फिक्स रेट उन्हें डिविडेंड दिया जाता है, तो इनका मतलब प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन्हें एक हिस्सा मिलेगा जब कंपनी चल रही होगी, उसे हम डिविडेंड का हिस्सा कहते हैं।
सेक्शन 44, सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एंड प्रोवाइड दैट शेयर्स और डिवेंचर, क्या लिखा है, शेयर्स और डिवेंचर और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी इज मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन द मैनर प्रोवाइड बाय द आर्टिकल ऑफ कंपनी। सिंपल क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 में यह बताया गया है कि जो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी की शेयर्स डिवेंचर है या फिर कोई भी इंटरेस्ट है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जैसा उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया रखा है। सिंपल, अगर हम चाहते हैं तो हम किसी को बेच सकते हैं, किसी से खरीद सकते हैं, इसलिए हमें उसे क्या बोला गया, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ट्रांसफरेबल। सिंपल, इन इंडिया द शेयर इज रिगार्डेड एज अ गुड, इन इंडिया में, जो इंडिया में हम शेयर्स को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स, गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारे जो शेयर्स है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, इसलिए उसे हम गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट, एवरी शेयर्स इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall be distinguished by the distinct number, but this provision shall not apply to shares held by person whose name is under as a beneficial interest in the shares record of the deposit. अब बात बताता हूँ यहाँ पे सबसे important term जो है, क्या होता है जब शेयर सर्टिफिकेट इशू करी जाती है, जब आपने कंपनी में शेयर्स खरीदी और उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करी, जब सर्टिफिकेट इशू करते हैं तो हर एक सर्टिफिकेट पे पास एक अलग नंबर होता है, अब अलग नंबर, सबके अलग अलग नंबर होंगे, हर एक सर्टिफिकेट अलग अलग नंबर। जैसे हम जब नोट लेते हैं, हर एक नोट के जो अलग अलग नंबर होते हैं, वैसे जब सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी तो हर एक के अलग अलग नंबर होते हैं, उसी को बोला गया यहाँ पे डिस्टिंग्विश बाय द डिस्टिंक्ट नंबर। मगर ये प्रोविजन कहाँ अप्लाई नहीं होगा, ये प्रोविजन कहाँ अप्लाई होगा, अगर कभी भी आपने शेयर्स एज अ डिपॉजिटरी से खरीदी है और उसमें जब आपका नाम एज अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, तो उसे भी उस पे ये सेक्शन 45 एप्लीकेबल नहीं होता। मगर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट ये होता है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट, वो भी यही बताया गया कि जितने भी डीमेट अकाउंट में डीमेट सर्टिफिकेट होंगे उनके भी डिस्ट्रिक्ट नंबर होंगे, सिंपल। तो 45 ये कंपनी एक्ट, जेएनके अगर वो लिस्टेड कंपनी ना हो तो उस पे एप्लीकेबल हो गया। मगर अगर प्रोविजन, अगर कोई भी प्रोविजन नहीं अप्लाई होता, अगर वो एंटर एज अ होल्डर बेनिफिशियल इन द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी उस पे नहीं होता, मगर जो ये है नीचे वाले तरीके एज अ डिपॉजिटरी उन पे सेक्शन 9 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट एप्लीकेबल होता है, जो बताया गया है कि हर एक शेयर की डिस्ट्रिक्ट नंबर होगी। सिंपल, आई होप आपको समझ आ गया सेक्शन 45। अब आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या क्या होते हैं। हमने पढ़ लिया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्या होते हैं। अब हम इक्विटी शेयर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल के टाइप्स पढ़ते हैं, मे बी इसमें नहीं दे रखा तो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको। नहीं दे रखे, एक मिनट वेट। शेयर कैपिटल इज अ टू काइंड, सिंपल से बता रखा है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेफिनेशन स्टेट ऑफ, सिंपल से हमने पढ़ लिया था अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43, उसमें शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर की, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेक्शन 43, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विद द प्रेफरेंशियल राइट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये हमने पढ़ लिया था, इट मस्ट बेरी कैरी प्रेफरेंशियल राइट टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल और फिक्स अमाउंट ऑफ रेट एज रिगार्ड द कैपिटल, अगर वो इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप हो जाता है तो उसे प्रीमियम मिलेगा, रिपेमेंट ऑफ द कैपिटल मस्ट बी प्रेफरेंशियल राइट टू पे द अमाउंट ऑफ द कैपिटल पेड ऑफ द सच प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मे और मे नॉट कैरी ऑन सच राइट एज स्पेसिफाइड। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसे मैंने कहा कि ऊपर नहीं है, नीचे दे रखे डेफिनेशन, यहाँ आते कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी। Cumulative, the dividend are accumulated and therefore paid before the anything paid to the equity shares capital. जो community preference shares होते हैं वो क्या होता है कि अगर company जब winding up हो जा रही है,
अगर कंपनी वार्निंग ऑफ हो जा रही है तो इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले, इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले, इक्विटी शेयर होल्डर जो है उन्हें पे करने से पहले हमें किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। देन आगे चलते हैं, नॉन कम्युनिटी ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ द कंपनी डज नॉट पे डिविडेंड कैरी क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज लॉस्ट टू एक्सटेंट। सिंपल, अब क्या बताया गया, नॉन कम्युनिटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं और कंपनी ने पे नहीं करा डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा उस साल, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर नहीं क्लेम कर सकती कि हमें डिविडेंड ही चाहिए, हमें डिविडेंड चाहिए। कम्युनिटी शेयर्स ये है कि अगर इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले अगर कोई भी कंपनी का डिविडेंड होता है तो इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले हम किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को, जिसके पास प्रेफरेंस कम्युनिटी शेयर्स होंगे ना। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, सिंपल सी बात बताता हूँ, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जो कन्वर्टेबल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स में। मगर नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स वो होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते इक्विटी शेयर्स में, उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स की ही तरह रिडीम कर दिया जाता है आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द पीरियड। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, अ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैज द एडिशनल बेनिफिट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट या फिर सरप्लस असेट्स कंपनी पार्ट ऑफ फ्रॉम द प्रेफरेंशियल डिविडेंड। सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं अगर कंपनी सरप्लस हो रहा है, अगर कंपनी का सरप्लस का मतलब प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट उन्हें हो रहा है या फिर सरप्लस असेट्स आ रहा है, तो उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मगर नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स वो होते हैं जिनके पास अधिकार नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरप्लस में या सरप्लस प्रॉफिट में या सरप्लस असेट्स में। नाउ रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल, अब क्या है रिडीमेबल, रिडीमेबल शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो 20 ईयर के बाद वो रिडीम हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट। अकॉर्डिंग सेक्शन 155 एक्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हम आगे चल के वैसे पढ़ेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो 20 ईयर के बाद वो रिडीम हो ही जाएंगे, वो रिडीम हो जाएंगे। नॉन रिडीमेबल शेयर्स वो होते हैं जो रिडीम होंगे ही नहीं। मगर जब से कंपनी एक्ट 2013 आया है, कोई भी कंपनी नॉन रिडीमेबल शेयर्स इशू नहीं कर सकता। सिंपल, आगे हो गया हमारा प्रेफरेंस शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल नॉट फॉलिंग विद इन द अवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, जिसे बताया गया था, एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि कोई भी शेयर को हर नहीं कंपनी का पूरा शेयर कैपिटल एक्सेप्ट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसे हम शेयर कैपिटल कहेंगे। नाउ आगे एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये बता रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल विद रेफरेंस टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल इज नोन एज अ कॉमन स्टॉक या फिर कॉमन शेयर्स कैपिटल दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी। कॉमन शेयर्स इज जनरली डिवाइडेड इनटू यूनिट्स नोन एज शेयर्स। अब बात करते हैं जो इक्विटी शेयर, अगर बात करा जाए कंपनी है, कंपनी में तीन लोग होते हैं, कंपनी में तीन ओनर होते हैं, तीन ओनर, सीईओ एक ओनर कहलाता है और दूसरा ओनर जो होता है वो ओनरशिप जिसके पास पूरा का पूरा शेयर्स होता है, और चौथा जो होता है वो होता है जिसने कंपनी स्टार्ट करी है, जिसने कंपनी जो तीसरा जो होता है वो जिस होता है कंपनी जो इसने स्टार्ट करी। तो जो ओनर्स होता है वो होता है जिसने पैसा लगाया है, जिसने पैसा लगा है उसे हम ओनर्स कहते हैं। क्योंकि अगर क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उन्हें हम ओनर्स बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा लगाया कंपनी में, उनके पास अधिकार है कि वो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अपने आप को ओनर बोल सकते हैं। तो उनके जो शेयर्स हैं उन्हें हम कॉमन स्टॉक भी बोलते हैं ना। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 43 सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ द 88, ये सारे शेयर्स को सब्जेक्ट ध्यान रखते हुए, इन सब सेक्शन को ध्यान रखते हुए, एवरी मेंबर ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड होल्डिंग इक्विटी शेयर्स देन शैल हैव राइट टू वोट ऑन एवरी रिजोल्यूशन प्लेस बिफोर द कंपनी।
सिंपल सी बात है, अगर कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही राइट होता है कि वो कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास करवाना है तो उसके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है उस रेजोल्यूशन में. नाउ हिज वोटिंग राइट ऑन द पूल शेल बी इन प्रोपोर्शन टू हिज शेयर्स पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. सिंपल, जब उसके पास जो राइट देने का अधिकार है, वोटिंग राइट का अधिकार है, उसके पास उतना ही अधिकार है जितना उसने अपनी पेड अप कर रखा है कंपनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में, उससे ज्यादा उसके पास अधिकार नहीं है. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी फर्दर प्रोवाइड ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल विद इन वोटिंग राइट, जिसके पास वोटिंग राइट का अधिकार है, या फिर विद डिफरेंशियल राइट टू एज डिविडेंड और वोटिंग अदरवाइज इन अकॉर्डिंग विद सच रूल एज मे बी प्रिस्का, या फिर उसके पास अधिकार है कि वो डिफरेंशियल राइट है एज अ डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट एज अ डिविडेंड, मतलब उसके पास अधिकार है कि वो एक आम जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके उससे ज्यादा उसके पास अधिकार है कि वो डिविडेंड रिसीव कर सकता है. नाउ ये हो गया हमारा चैप्टर में भी कंप्लीट. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन बिलो. इक्विटी शेयर हैव एन वोटिंग राइट ऑल द जनरल मीटिंग. सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही थी. इक्विटी शेयर होल्डर के पास जैसे मैंने बताया कि हर जनरल मीटिंग में उसके पास अधिकार है कि वो वोट दे सकता है उस कंपनी के अंदर. इक्विटी शेयर हैव द राइट टू सीज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन द डिविडेंड केस एंड द बोनस शेयर. इक्विटी शेयर होल्डर जितने भी हैं उनके पास अधिकार है कि वो डिविडेंड रिसीव कर सके, या फिर जितनी भी इक्विटी शेयर होल्डर उनके पास अधिकार है कि उन्हें बोनस शेयर्स इशू करे जाए. बोनस शेयर्स ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, बस बता दे रहा हूँ एज अ बोनस. जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा जो अमाउंट हमें मिलता है उसे हम बोनस कहते हैं. Where the company is warned, a payment towards the equity share capital will be made to respectively shareholder only after the payment of the claim of the credit and preference shareholder. एक तरफ से ये हमारे लिए equity shareholder के लिए एक negative thought भी है. जो कौन से, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी जो है पेमेंट जो करनी है इक्विटी शेयर होल्डर को, और कंपनी वार्निंग होती है तो पेमेंट करनी इक्विटी शेयर होल्डर को तभी पेमेंट होती है जब पूरा का पूरा पेमेंट क्रेडिटर को हो जाए या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हो जाए. तो ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी. आज हमने इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा. तो आज के लिए हम इतना ही काफी. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ अलॉटमेंट की बात करेंगे. So, आज के लिए इतना ही काफी. थैंक यू सो मच. आई होप आपने कुछ भी सीखा. अगर आपने कुछ भी सीखा उस चैनल से या इस चैप्टर से, प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.